जी तो सारा खाना जो है वो आ चुका है, दिखाएं ज़रा। ये देखिए पहले बारिश भी स्टार्ट हो गई है, अब आई होप के ज़्यादा तेज़ ना हो। तो बस वी आर ऑन द वे और ये देखें, मैंने कहा आपको दिखाते हैं, ये घर के बिल्कुल पास है सेंटेनियल कॉलेज, बल्कि अभी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का मैं आपको बोर्ड दिखाती, क्या ही शाहकार उसका साइन बोर्ड है। और मुझे याद आया कि जब हम लोग आए थे कनाडा तो मैं वहाँ गई, मैंने आईलेट्स भी दिया, लेकिन फिर किरत आ गई है ना नहीं, फिर किरत बॉर्न हुई, तो फिर इस वजह से मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया। डू यू नो दैट? मास्टर्स के लिए ओनली बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज मैंने यही बोला कि किरत इज मोर इम्पोर्टेंट है ना। फिर किरत क्या करती घर पे है ना, डे केयर में डालना पड़ता। I don't want to go to day care. हाँ, लेकिन उस वक्त आप न्यू बॉर्न थी, देन आई डिसाइडेड कि नहीं मैं मास्टर्स नहीं करती, क्योंकि छोटी सी प्यारी सी डॉल है मेरे पास किरत है ना। थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी। ओके, तो जो रेस्टोरेंट आज हम जा रहे हैं वो अभी थोड़ी देर में आता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, हम पहुँच चुके हैं बरकत कबाब हाउस टर्किश कुजीन, सो लेट्स गो। और पहली बार हम लोग आए हैं, तो वैसे वही मैंने आपको बोला ना, रिव्यूज बहुत अच्छे हमने पढ़े हैं, तो होपफुली खाना भी अच्छा ही होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारी इस फैमिली को ज्वाइन कर लें, ताकि कोई भी व्लॉग आप लोग मिस ना करें। सो एज सून एज आप जैसे ही एंटर होते हो तो आपको आती हैं बिल्कुल तुर्की वाली वाइब्स। तो जैसे ही आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि रेस्टोरेंट इटसेल्फ बहुत खूबसूरत है और स्टाफ भी बहुत अच्छा है। देखिए हमारा पूरा खाना आ गया, ये है चीज़ी पास्ता विद चिकन, ये कोई सॉस है, ये सारे एपेटाइज़र है, ये है सैलड, ये हमस, लुक एट द हमस कितना फ्रेश है। मतलब आप इनका कोई भी एपेटाइज़र ट्राई कर लें, उसने आपको तुर्की ना पहुंचा दिया ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये है इनका सिग्नेचर मिक्स्ड ग्रिल प्लेटर, इसके अंदर इतनी वैरायटी है मीट की भी और स्नैक्स की भी, साथ में लामचून वेजीज, मतलब ये तो मस्ट है। तो अगर आप टोरंटो में हैं और आपको यही नहीं पता कि सबसे अच्छा टर्किश खाना आपको कहाँ मिलता है, तो वो है सिर्फ बरकत कबाब हाउस। तो मैं और भी जो टर्किश रेस्टोरेंट्स हैं मैं वहाँ भी गई, कुछ जगह पे ऑनेस्टली मीट में जो है वो स्मेल थी और कहीं पे खाने में जायका नहीं था। अच्छा, पहले ना मैं थोड़ी कंफ्यूज थी ये मिक्स ग्रिल प्लेटर को लेके, कि मतलब ये मंगाना भी चाहिए कि नहीं, या ये बहुत ज़्यादा ना हो जाए। बट ट्रस्ट मी, जब से हमने ये खाया है ना, अब हम जब भी जाते हैं ना, ये तो मतलब मस्ट है, चाहे हम कुछ और मंगाएं या ना मंगाएं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं हाईलाइट करूँगी कि जब मैं तुर्की भी गई थी तो वहाँ पर भी जो टर्किश लोग थे वो बहुत नाइस थे, वेरी डाउन टू अर्थ, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं। और यहाँ पर भी जब आप जाएंगे ना, तो जो प्रोटोकॉल आपको मिलेगा, जिस तरह से यहाँ पर जो कस्टमर सर्विस आपको मिलेगी, वो वन ऑफ अ काइंड है जी। तो सारा खाना जो है वो आ चुका है, दिखाएं ज़रा। ये देखिए, ये मिक्स्ड ग्रिल प्लेटर है, ये इनका थ्री टाइप का लैम है, चिकन है, इसमें सारे टाइप के कबाब हैं। ये देखिए, मैं इतनी टेस्टी अनियन रिंग्स हैं ना के बस। और समोसा तो आप छोड़ ही दें, बहुत मज़े का द चॉप्स। मीट प्लेटर खा के तो मज़ा ही आ गया, मतलब चिकन बीफ लैम सब एक साथ मिल जाए, और वो भी इतना मक्खन जैसा सॉफ्ट एंड वेरी टेस्टी। अच्छा, ये सैलड है, नाम मैं भूल गई हूँ, आप जाएंगे ना तो आपको मेन्यू कार्ड पे नज़र आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, मैं फिर इनके किचन में भी गई, तो वहाँ पर फिर मैंने देखा कि फ़्रेश जो है ना वो बारबेक्यू हो रही है, हर चीज़ ग्रिल से, ये देखिए फ़्रेश फ्रेश बना बना के वो प्लेटर्स जो हैं वो आपको सर्व करते हैं। एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि इनके पास हर बजट का इंसान जा सकता है, मतलब अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है तो आप कम क्वांटिटी में भी चीज़ें मंगा सकते हैं। हाँ भाई, मज़ा आया?
बहुत ज़्यादा, सीधे तुर्की पहुँच गए। अच्छा था ना सब? एक्सेप्शनल, बहुत डिफरेंट, बहुत हाई क्वालिटी खाना है। उनका टेस्ट डेफिनेटली हमारे से बहुत अलग होता है ना। हाँ ठीक है, लेकिन कोई भी चीज़ दुनिया की किसी भी क्यूजिन की अगर टेस्टी हो तो फिर वो टेस्टी होती है। राइट। इनकी जो भी रेसिपी है ना, सब चीज़ें बहुत मज़े, बहुत मज़ेदार। तो ये हम लोग के मीठे आ गए हैं, दिस इज़ कैरेट बकलावा केक। ये आ गया हम लोग का फेवरेट कुनाफा, दिस इज़ फेमस टर्किश मिल्क ट्रेस लाचेस केक, थ्री मिल्क केक, मैंने भी बनाया था। बाय। तो जो लोग यहाँ मुझे लोकल टोरंटो से देख रहे हैं, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी है कि बरकत कबाब हाउस का एक बहुत ही शानदार गिव अवे आने वाला है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। ठीक है, बहुत जल्द मैं वहाँ पोस्ट कर दूँगी। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज सो गुड। जितने लोग मुझे यहाँ टोरंटो से देख रहे हैं, आप लोगों ने लाजमी जाना है एटलीस्ट एक बार। अच्छा, आप लोग मुझे किस सिटी से वॉच कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के नाम के साथ आपको थैंक यू करूँगा। तो चले, अगर आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पीछे आपको बरकत नज़र आ रहा है, बस आज हमें बहुत मज़ा आया, और सबसे ज़्यादा जो इस रेस्टोरेंट के ओनर हैं उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत नाइस। और मैंने ये चीज़ देखी है कि जो टर्किश लोग हैं ना, वो हम पाकिस्तानियों को बहुत लाइक करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत नाइस, बहुत शरीफ, बहुत ज़्यादा हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ। तो एनीवेज, यहाँ का जो स्टाफ भी है सारा, वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं। खाना बहुत बहुत मज़े का था, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। जो लोग मुझे यहाँ GTA से देख रहे हैं, आप लोगों ने ज़रूर मेरे कहने पे बरकत आना है। और ये जो सारा खाना मैंने आपको दिखाया है, ये सब बहुत बहुत टेस्टी था। और बाकी आपकी मर्ज़ी, आप क्या ट्राई करना चाहें, लेकिन जो चीज़ें हमारे पास आई थी सारी, वो सब तो बहुत बहुत मज़े की थी। सो गिव इट अ ट्राई, आएँ आकर अपने जो हमारे मुसलमान बहन भाइयों का जो भी कुजीन है उसको आके सपोर्ट करें, साथ में मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें, और जो हम लोगों का भी छोटा सा ब्रांड है उसको आपने सपोर्ट करना है। और नीचे आपको वेबसाइट नज़र आ रही होगी, जाके आप लोग वहाँ से मेरे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट ही सबसे ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, चले, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।